पूरा घरे जा रहा है। बच क्या रहा है? कुछ नहीं बच रहा है। करेंगे क्या? अरे निशिकांत दुबे के पास चले जाएंगे, वहीं मुंशीगिरी करेंगे और क्या। फुल्ली बीजेपी हम लोग, मतलब कि काटा भी जाए तो बाद इस तरह हो रहा है तो क्या मन में है? मन में क्या करेंगे? ऐसा हो रहा है तो फिर मतलब क्या करेंगे? जाएगा एक सीट यहाँ से, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी रहेंगे, एक सीट यहाँ से चला जाएगा। उपाय क्या है? जितना भी रोजी रोटी करने वाला, कमाने खाने वाला, सबके पेट में लात मार रहा है। कौन मार रहा है? निशिकांत दुबे मार रहा है, और कौन दूसरा थोड़े मार रहा है। सांसद महोदय को तो देना ही चाहिए, क्योंकि यही कहते हैं कि मैंने ये रोड बनवा रहा हूँ। आप बनवा रहे हैं तो माथे पर बना रहे हैं। अरे भाई कहाँ बना रहे हैं, कहाँ बन रहा है, नहीं देखिए क्या? ये तो विधानसभा में जो बात उठी है तो हम लोगों में चार्मिंग आया है, सब लोगों में ये चार्मिंग आ गया है कि अब मेरा हमारा कोई सुनने वाला है। मतलब इसके बारे में जो बोलता है सबका विकास है, और सबका ये विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है, ये समझ से परे है। समझ से भी परे है, और इस पर जो है कहता है ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा? 10 दिन के अंदर दूसरे देश पर हमला लोग कर सकता है, दूसरे देश पर चढ़ाई कर सकता है। ये क्या रोड शुरू हुआ है क्या? 3 साल 2 साल का इसका टारगेट है, 10 दिन में तो सर्वेक्षण करा के फिर जो है उसको पूरा किया जा सकता है। तो सोच हम अगला को देख रहे हैं कि जिसको हमने अपना संसद बनाए, आज पूरा शहर उछोड़ के हमारा गरीब मामूली सा रोजी रोटी खाने वाला को एक ही शहर गांधीग्राम को बसिंदा को बर्बाद कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में, आपके साथ आशुतोष आनंद, और इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा के गांधी ग्राम में। और कुछ दिनों से यह जगह जो है हॉट टॉपिक बना हुआ है। मामला क्या है शायद आप लोगों को पता ही होगा कि गांधी ग्राम से बारकोप तक जो है यहां पर लोगों को समस्या है, और ये NH 133 का चौड़ीकरण हो रहा है। जो बर्षों से लोगों को इंतज़ार था कि NH 133 को चौड़ीकरण किया जाए, इस चीज़ से लेकर आम लोगों में खुशी है, लेकिन गांधीग्राम से बारकोप तक जितने भी लोग हैं उन लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। क्यों मायूसी छा गई है आइए जानते हैं क्या दिक्कत है। मतलब दिक्कत यही है कि सारे लोग हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मतलब एक फीट घर नहीं बचता है, समूचा घर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को लेकर शिकायत नहीं किए? शिकायत किए थे। किनसे किए थे? निशिकांत दुबे से। क्या बोले वो? वो बोले कि नहीं, सो कोई विकल्प नहीं है, जबकि विकल्प है, बहुत सारा विकल्प है, लेकिन वो विकल्प के बारे में बोलते हैं विकल्प नहीं, उसमें कोई नेता वगैरह ऐसा लगा उसका नेता घर नहीं जाएगा, हम लोग घर जाएगा, तो इसलिए जो है सो नेताजी वो अपना अपना सब स्वार्थ साध रहे हैं। अच्छा, बताया जाता है कि ये जो गांधीग्राम का क्षेत्र है ये बीजेपी का गढ़ है। नहीं, बीजेपी तो मेरे खून में बसा हुआ है, मतलब कि अगर काटा जाए ना तो खाली बीजेपी निकलेगा। हाँ। लेकिन उसके बाद भी जो है ना नेतागिरी हो रहा है, खाली नेतागिरी हो रहा है। कौन कर रहा है नेतागिरी? जो जिसका 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 घर बच रहा है। कौन पार्टी के लोग हैं वो भी बीजेपी के हैं। वो भी बीजेपी के हैं। बीते दिन देखते हैं कि पड़ैया हाट के विधायक जो है वो यहाँ के मुद्दों को जो है जोर शोर से विधानसभा में उठाए हैं। तो उठाए हैं तो वो तो ठीक है, उठाया है, बढ़िया बात है। तो कहने का मतलब है कि आखिर जो हम लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, मतलब ऐसा बात नहीं है कि मतलब कि अगर काटा जाए तो फुल्ली बीजेपी है हम लोग। हाँ। मतलब कि अगर काटा भी जाए तो बाद इस तरह हो रहा है तो क्या मन में है? मन में क्या करेंगे? ऐसा हो रहा है तो फिर मतलब क्या करेंगे? जाएगा एक सीट यहाँ से, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी रहेंगे, एक सीट यहाँ से चला जाएगा। उपाय क्या है? मतलब एक छटका जमीन नहीं बचेगा? मैं कुछ भी नहीं, फिर कैसे कमाएंगे खाएंगे? एकदम बेरोजगार, भीख मांगेंगे। भीख मांगने की नौबत आ रही है, सोचने वाली बात है। जिस जगह से यहाँ से एमपी को क्या कहते हैं कि कटोरा नहीं बोलिए बोरा भर भर के वोट मिलता है, और वहाँ ये स्थिति है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ विकल्प है। विकल्प क्या है इन लोगों से जानते हैं, क्या विकल्प है बताइए। विकल्प है देखिए, रोड के जो है पूरब तरफ और पश्चिम तरफ दोनों तरफ जगह है, इसको छोड़ देने के बाद देखिए एक नया मार्केट भी बन जाएगा यदि विकल्प के रूप में रोड फोर लेन जाएगा, तो एक ये मार्केट भी बच जाएगा, एक नया मार्केट भी बन जाएगा। एक तो सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है, कम से कम छीने भी ना, एक नया रोजगार भी पैदा होगा, उससे अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सबका घर भी बसा बसाया रह जाएगा, यही है फायदा। इससे पहले सुनते हैं कि उधर से ही नापी उपी। हाँ, नापी पहले उधर से ही हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ, क्या राजनीति हुआ इसमें, जो कि फिर मेन रोड को ही ले लिया गया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस रोड को छोड़ के विकल्प के रूप में पूरब या पश्चिम किसी तरफ
इसको डाइवर्ट कर दिया जाए जिससे कि 1 किलोमीटर की दूरी भी कम होगी। फोर लेन का जो इधर से दूरी अधिक होगी उधर से 1 किलोमीटर दूरी भी कम होगी। सांसद जी से मिले आप लोग? सांसद जी को हम लोग आवेदन दिए हुए हैं लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ उससे। कोई प्रभाव नहीं हुआ? नहीं। क्या कहिएगा? अरे हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं और क्या, हम लोग का जो भी घर था बहुत मेहनत से बनाए थे वो घर भी मेरा जा रहा है, अब रोजगार नहीं है, अब कैसे हम लोग का काम चलेगा। लेकिन सरकार का विकल्प है कि पीछे से रोड बन जाएगा और उसका दूरी भी कम हो जाएगा, हम लोग का रोजगार भी बचेगा। गांधी ग्राम का जितना भी आदमी है इसका सबका रोजगार जा रहा है। गांधी ग्राम का पहचान गांधी ग्राम के मार्केट, हाँ, और मार्केट ही मार्केट ही खत्म हो रहा है। सब एक तरफा ले लिया है, सब हम लोग का समूचा टूट रहा है। मतलब ये इस ये जो है ना एक साइड सीधा किया है वो, हाँ। क्या सरकार का है कैसे किया है, एक साइड से ही लिया है, हाँ। एक साइड में माने समूचा तोड़ रहा है, मतलब समझ सकते हैं कि सड़क के इस पार जो है, हाँ। मतलब यहाँ से जो है सबका जमीन लिया है, हाँ। लेकिन सड़क के उस पार एक बार निगाहें डालेंगे, हाँ। हम चाहेंगे कि दिखाएं, हाँ। कि देखिए सड़क के उस पार जो है एक छटाक जमीन जो है NH 133 चौड़ीकरण में जो है नहीं जा रहा है, जा रहा है इसी साइड का, जिससे कि यहाँ पर आम लोगों को तकलीफ है और रोजी रोजगार पर आफत आ रहा है। क्या कहेंगे अब, क्या करेंगे आप लोग? देखिए सबसे पहले जो है हम लोग NH का विरोध नहीं कर रहे हैं, हाँ। NH का विरोध नहीं कर रहे हैं, मुख्य रूप से हम लोग चाहते हैं कि ये गांधी ग्राम मार्केट जो है आज का नहीं है, ये 40-50 साल वर्ष पूर्व का मार्केट है। और ये मार्केट का अभी जो जो NH का जो बना है मैप बना है ये गांधी ग्राम मेन रोड से ले जाया जा रहा है और इसकी दूरी महुआ सोल से जोगनी स्थान के बीच लगभग 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग ग्रामीण चाह रहे हैं, इस बात के लिए सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम ये जो दूरी है 2.5 किलोमीटर की दूरी है इसमें लगभग मान के चलिए कि 150 से 200 घर हैं और हजारों लोगों का जीविकोपार्जन उसी से है। कोई छोटा छोटा दुकान करके है, कोई कपड़े का दुकान है, चाय पान की दुकान है, फल का दुकान है, तो ये जो रोज़गार जो छीन रही है सरकार ये इससे भी राहत मिल जाएगा। विकल्प के रूप में पीछे से एक रोड भी है, रोड ले जाया जा सकता है, NH का भी मापदंड पूरा होगा, रोड सीधा बनेगा, दूरी भी कम हो जाएगी और ये जो मार्केट टूटने का स्थिति है ये भी नहीं टूटेगा। मतलब जो अभी स्थिति बन रही है, हाँ। ये स्थिति बनेगी नहीं, अगर पीछे से रोड जाता है तो ये मार्केट बसा बसाया रह जाएगा और जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से जो है निजात हो जाएगा। क्या कहेंगे चाचा, कितना दिक्कत? दिक्कत तो बहुत है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अभी जितना ही मकान बना हुआ है रैयत है 25%, जो डिहाड से हमारे बगल 5-7 किलोमीटर के दूरी से उनका पूर्व बाबूजी का जो भी पूंजी जमीन कट्ठा दंटा या 5 कट्ठा था उस बेच के आज 30-35 साल पहले यहाँ 10 धूर 1 कट्ठा कोई 2 कट्ठा ले के मकान बना के अपना बाल बच्चा का जीवनी पालन कर रही है। उस चीज़ अगर ई के हाईवे पार होने के बाद मैंने वो एकदम घर से बेघर हो जाएगा, उसको भीख मांगने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा उसके पास, चूँकि गांव भी छोड़ के अपना वहां से बेच के चला आया और यहां से भी उजड़ जाएगा। मतलब ना घर का रहेगा ना घाट का, धोबी का कुत्ता हो जाएगा, धोबी का कुत्ता हो जाएगा। इतना होगा कि अगर इसमें अगर 1000 जनसंख्या है तो इसमें जरूर सुनिएगा कि 10-20 आदमी अपना आत्महत्या कर लिया, ये नौबत आएगा। और हमारी सबसे कहने की बात है ये हाईवे जो बन रही है ये आपका रांची से आ रहा है, मेन फूटा है आपका धनबाद गोविंदपुर, वो रोड दबरियो बारी जो रहो के जुट भी गया है साहबगंज में, इसको कानी बना के लाया गया है। अगर वो NH हाईवे जब बनाया तो कहीं क्षति नहीं हुआ, उतने ही रूट बढ़िया से गया। ऐसा क्या सांसद मोदी को हमारा इसमें लोका या सुझाई दिया जो कि पोड़िया से मागामा की 4 लाइन बना के इतना जनता को बर्बाद कर रहा है? अगर वही रोड NH हाईवे लेके चला आता तो किसी का बर्बादी नहीं होता। अगर हल्का फलका नोचाता तो बढ़िया कार्य। क्या लग रहा है किसी की साजिश है क्या? साजिश तो हम नहीं कहेंगे, चूँकि हम लोग उतना खाने कमाने गरीब वाला आदमी, हम साजिश क्यों कहेंगे। ये तो सोच हम अगला को देख रहे हैं कि जिसको हमने अपना संसद बनाए आज पूरा शहर उछोड़ के हमारा गरीब मामूली सा रोजी रोटी खाने वाला को
एक ही शहर गांधी ग्राम को बसिंदा को बर्बाद कर रहा है। बीच में हसडिया से महागामा तक के बीच में किसी भी मार्केट को टच नहीं किया गया। हर जगह और ये मान लीजिए छोटा मोटा मार्केट है, यहाँ इतनी आबादी है और मतलब कि एनएच का या ऐसा नियम भी है कि सघन एरिया या रियासी एरिया को टच नहीं किया जाए। आप देख ही रहे हैं कि गांधी ग्राम की कितनी आबादी है, लगभग हजारों लोग यहाँ रह रहे हैं, देख लीजिए आप वहाँ से, हजारों लोगों का जीविकोपार्जन का एक साधन है। तो इसलिए हम लोग सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, हमारे जो ऊंचे स्तर के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि इस रोड को कम से कम बचाते हुए, इतने लोगों की क्षतिपूर्ति को देखते हुए एक दूसरा समाधान निकाला जाए, विकल्प के रूप में है भी, उस पर पुनर्विचार किया जाए और आप लोगों की रोजी रोटी जो है बचाया जाए। रोजी रोटी देखिए हुआ था पहले, मतलब ये सर्वेक्षण जो हो रहा था हाँ, तो ये घनी आबादी भी है और छोटा छोटा मकान बना के यहाँ हजारों लोग रह रहे हैं और उसी से रोजगार भी जुड़ा हुआ है। और ये कौन सा सीधा रोड बन रहा है जो कि 2.5 किलोमीटर में 2 गोलंबर बनता है और बोलता है इसमें प्लान उतरेगा। अगर प्लान उतारना है तो सीधा रोड बनाइए ना, पीछे जगह भी है, लोग का बचेगा। ये विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? अगर हम लोग का विकास अगर करना है, जनता का विकास के लिए ही ना बनाया जा रहा है रोड को, लेकिन ये कैसा रोड बन रहा है कि पीछे खाली जमीन और ये जो है लगता है सरस्वती मंद हो गया है हमारे, ये अब जो भी इसमें है, अब किसी का नाम हम क्या बोले, प्रतिनिधि को देखना भी चाहिए कि ये रोड के बारे में जो बोलता है सबका विकास है और सबका, ये विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है, ये समझ से परे है, समझ से भी परे है। और इस पर जो है कहता है ये नहीं होगा वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा? 10 दिन के अंदर दूसरे देश पर हमला लोग कर सकता है, दूसरे देश पर चढ़ाई कर सकता है, ये क्या रोड शुरू हुआ है क्या? 3 साल 2 साल का इसका टारगेट है, 10 दिन में तो सर्वेक्षण करा के फिर जो है उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसको एक हवा बनाया जा रहा है। और हम इसमें ज़्यादा क्या कहेंगे, अगर देखना है तो घर घर में देख लीजिए, 2.5 किलोमीटर जो लिया है पूरा सघन ही है, थोड़ा थोड़ा जगह आपको खाली मिलेगा, बाकी हर जगह घर बना हुआ है और सब लोग इसी में, यही जीविका का साधन है। और अब क्या किया जाए? अगर इस पर ध्यान अगर सरकार नहीं देती है, सांसद महोदय को तो देना ही चाहिए, क्योंकि यही कहते हैं कि मैंने ये रोड बनवा रहा हूँ, आप बनवा रहे हैं तो माथे पर बना रहे हैं। अरे भाई कहाँ बना रहे हैं, कहाँ बन रहा है, नहीं देखिएगा? ये तो विधानसभा में जो बात उठी है तो हम लोगों में चार्मिंग आया है, सब लोगों में ये चार्मिंग आ गया है कि अब मेरा हमारा कोई सुनने वाला है। मतलब जो अपने थे वो बेगाने हो गए, बेगाने जो बेगाने थे वो अपने हो गए, अपने हो गए। क्या जो जनता का समस्या, हमारा समस्या को जो सुनेगा तो पूरा राज्य भी देखेगा, गांव भी देखेगा और सारे लोग, अभी घर घर में यह पूरा पूरा फैला हुआ है मामला को कि देखिए कोई नहीं देखने वाला था और सरकार जो है इसको विधानसभा में उठा के ये आगे तक बात को बढ़ाया। विधानसभा में इसमें प्रदीप यादव जी इसको जो है विधानसभा में उठाया है और हमको लग रहा है कि इसको सरकार जो है इसको बहुत अच्छा से लेगा इसको, और हमको लगता है इसका कुछ रास्ता निकल भी जाएगा, क्योंकि बेकल व्यवस्था है बगल में और वो सीधा स्टेट लाइन स्टेट होगा भी। और हमारा लग रहा है कि उधर सांसद महोदय कभी अगर उतारेंगे प्लान ना तो उतर भी जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर सीधा पड़ेगा उसमें, इस जगह 2 जगह मोड़ हो जाएगा, 2 किलोमीटर में 2 गोलंबर होगा, तो कैसे उसका प्लान उतरेगा? मतलब प्लान उतारने में बहुत दिक्कत। हाँ हाँ, उसको दिक्कत। आपका भी जा रहा है? कितना जा रहा है आपका? पूरा घरे जा रहा है। बच क्या रहा है? कुछ नहीं बच रहा है। करेंगे क्या? अरे निशिकांत दुबे के पास चले जाएंगे, वहीं मुंशी मिरी करेंगे और क्या करेंगे, हम वार्ड है। अच्छा, यहाँ पर जितना भी रोजी रोटी करने वाला कमाने खाने वाला सबके पेट में लात मार रहा है। कौन मार रहा है? निशिकांत दुबे मार रहा है, क्यों कौन दूसरा थोड़े मार रहा है? इसको रोड बनाने का क्या जरूरी है? फोर लाइन बाईपास में दे रहा उचित है? विकास का मुद्दा वो लेते हैं, विकास करते नहीं है, सुन लीजिए, विनाश कर रहे हैं। किस चीज का मुद्दा लेते हैं? नहीं, विकास का सराय लेते हैं, कभी विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, देवघर में जाके विकास कर रहे हैं, गोटा को ट्रेन लाइन और हाईवे मैंने दिया फोर लाइन हर जगह 10 तारीख को बोले है, 10 तारीख अडानी में वो भाषण दिए है, किस मुंह से बोलते हैं समझ में नहीं आते हैं उतना बड़ा आदमी। ये हमने जब 55 किलोमीटर का रोड लिए, ये दूध से 5 घर बर्बाद होने नहीं दिए, और ये मुख्यमंत्री 15 तारीख को आ रहे हैं तो गोड्डा वीरान कर दिए आक्रमण करके,
से मैंने 5000 गरीब को, किस मुंह से इतना बड़ा आदमी सब बोल का इतना बड़ा कर्म करके गरीब के पेट में लात मार रहे हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके लिए भगवान उसका फैसला करेगा गरीब का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम तो यही चाहते हैं कि जिसके माध्यम से अगर ये कार्य हो जाते हैं तो हमारा हजारों संख्या का बाल बच्चा, अब तो संसद में भी इसका, विधानसभा में भी इसको लेकर आवाज उठी है, क्या लगता है उम्मीद जगा है? हम लोग तो उम्मीद रखे हैं। अब आगे जाने, अगर ऐसा अगर नहीं, अभी भी अगर विरोध नहीं करे उसमें जरा सा भी हमारे निशिकांत बाबू पहल कर दे, दो दिन में हो जाएंगे। क्या लगता है पहल करेंगे निशिकांत बाबू? अब उनका धर्म जाने, उनका विचार जाने, उनको तो हम लोग आवेदन दिए 3 मतलब खूब गिर गिराए, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लास्ट में बोला नहीं हुआ, हो जाएगा बाद में हो गया कि घरे फंस जाएगा, नहीं होगा। अब सब चीज क्लियर हो गया, देखिए तो यहाँ पर जो है सब कुछ क्लियर हो गया है, शीशे की तरह साफ हो गया है, ये जमीन भी साफ हो जाएगा। आने वाले दिनों में यहाँ के लोग रोजी रोजगार क्या करेंगे, भीख मांगेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, कई लोग ये भी कह रहा है कि सांसद के घर में जाएंगे चूल्हा चौकड़ी करेंगे, क्योंकि रोजी रोजगार रहेगा नहीं, खाएंगे क्या, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। जिस तरीके से लगातार यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है, समझने वाली बात यह भी है कि सांसद महोदय अगर थोड़ी सी पहल कर लेते तो शायद ये पहले जहाँ से नापी हुई थी सड़क वहीं से बनता, लेकिन ना सांसद महोदय ने इस पर पहल किया और ना ही इन लोगों की बात सुनी जैसे ये लोग बता रहे हैं। अब आने वाले दिनों में एक उम्मीद बचे हैं विधायक प्रदीप यादव, जिन्होंने की विधानसभा में इस चीज को लेकर आवाज उठाई है, तो इन लोगों के चेहरे पर भी थोड़ी सी रौनक आई है कि शायद अब कुछ हो जाए और इस सड़क का जो है जो इधर से बनना था वो पहले जहाँ से नापी हुई थी वहीं से बने। लेकिन ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि आखिर इन लोगों का भविष्य किसके हाथ में है, क्या सांसद के हाथ में है या फिर झारखंड सरकार के हाथों में है। जिनके भी हाथों में हो ये आने वाले दिनों में ही तय होगा। फिलहाल इन लोगों के चेहरे पर मायूसी है, खाएं क्या कमाएं क्या ये सोचकर दिन रात सोते हैं और जगते हैं। तो बने रहे हमारे साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़।